यस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट लिमिट्स का हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा पूरा लिमिट टॉपिक अब कवर हो चुका है। और लिमिट्स में जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने लिमिट्स में पढ़ी है, मैं आज वापस से लिख देता हूँ, है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने लिमिट्स में पढ़ी हैं और जो इम्पॉर्टेंट है लिमिट्स में, है ना। सबसे पहले हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू n a n माइनस 1, है ना। लिमिट x अगर a को टेंड कर रहा है और अगर एक्सप्रेशन ऐसा है तो ये n a n माइनस 1 होगा। फिर हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये दोनों रिजल्ट बन देते हैं। और अगर आप इसका उल्टा भी कर दोगे x अपॉन साइन x और x अपॉन टेन x तो वो भी बन ही होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के x डिवाइडेड बाई x, ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिट अगर x 0 पे ना भागते हुए a पे भाग रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, साइन x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, ताकि रिजल्ट बन गए। सेम चीज़ टेन के लिए भी काम करती है ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, कि जब x जीरो पे ना भागते हुए किसी एंगल पे भागे तो आप क्या करिए, x प्लस एंगल को h मान लीजिए और h को जीरो पे लगा दीजिए, है ना। ये हमने पढ़ा, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट पढ़ी, ये सब जीरो बाई जीरो फॉर्म्स की थी, है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म्स। फिर हमने पढ़ी वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वो ये थी कि लिमिट, अच्छा हमने ये पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, है ना, एक्सपोनेंशियल, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है, ये क्या देता है, log a देता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये log e होता है और log e की वैल्यू 1 होती है, है ना। ये रिजल्ट पढ़ा, है ना। और हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, ये भी क्या देता है, हमें 1 देता है, ठीक है ना। ये सारी 0 बाय 0 फॉर्म्स की थी, ठीक है। फिर हमने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म पढ़ा, वो ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x, ये हमें क्या देता है, e देता है, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, है ना। ये भी हमें, ये हमें क्या देता है, ये हमें e देता है, ठीक है, याद है। और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 पे ना होते ये इन्फिनिटी पे भाग रहा है तो ये 1 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 अपॉन x x बन जाएगा। दोनों केसेस में ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, दोनों ही आपको उत्तर e देता है, ठीक है। तो ये हमने लिमिट से पढ़ा। और लास्ट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब आती है तो हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है, मैक्सिमम पावर कॉमन, है ना, मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है। तो ये है हमारा लिमिट्स, ये सब कुछ हमने लिमिट्स में पढ़ा है और यही सब कुछ लिमिट्स में है और इन्हीं सब से रिलेटेड, इन्हीं में से किसी ना किसी से रिलेटेड हमको लिमिट्स में सवाल आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड नॉर्मल कॉलेज एग्जामिनेशन में भी अगर आपको सवाल आएगा तो इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये सब इन्हीं पर, इन्हीं से रिलेटेड सवाल हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ अब छोटी एक और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइन एक्स बाई एक्स तो वन होता ही है, साथ ही साथ में एक और चीज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये भी वन देता है ना, ये रिजल्ट भी आपको वन देता है। साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये रिजल्ट भी आपको वन देता है ना, ये भी याद है, ये भी आप एडिशनल नोट कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये रिजल्ट भी वन देता है, ओके। तो ये
ये था हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिमिट से रिलेटेड। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, जेई वगैरह में कैसे क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स पे, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हम लास्ट ईयर के है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जेईई मेंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिमिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन के एक्स डिवाइडेड बाय टेन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 4, देन k का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो k का वैल्यू क्या होगा, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट दे रखी है, x 0 पे भाग रहा है, फॉर्म बना दीजिए साइन के एक्स, kx के नीचे भी क्या होना चाहिए, kx होना चाहिए और मल्टीप्लाई भी हम kx से कर देंगे ताकि ये एक्सप्रेशन तो बन जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx / kx बन जाएगा। और इधर से tan 3x को नीचे क्या लगेगा, 3x लगेगा, तो बैलेंस भी 3x करना पड़ेगा और ये एक्सप्रेशन 4 के बराबर दे रखा है ना। ये दोनों लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इधर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो k / 3 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो k का वैल्यू कितना हो गया, 12 हमारा आंसर है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये बहुत आसान लेवल की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin 1 / x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, इसका आंसर पूछा है आपको क्या होगा। ऑप्शंस हैं ए 1, बी माइनस 1, सी 0 या डी नन ऑफ दीज। ये है सवाल, है ना। तो ये सवाल कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सवाल है। साइन के साथ 1 / x आ जाता है और देखिए साइन का डोमेन क्या होता है, वी नो दैट। अच्छा डोमेन से भी पहले हम जाना, पहले इसको सिंप्लीफाई अच्छे से सिंपल कर देते हैं कि एक्सप्रेशन जो रिजल्ट बन सके वो तो हम बना देते हैं एटलीस्ट। यहाँ साइन 1 / x लिखा है, यहाँ साइन x लिखा है, साइन x के नीचे x लगता है, तो यहाँ पर x में बैलेंस कर देता हूँ, ये चीज़ बन बन जाएगी। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, है ना, x स्क्वायर से x कैंसिल होगा तो x आ जाएगा, x इंटू साइन 1 / x, ठीक है। अब देखिए अब क्या मैं लिमिट लगा सकता हूँ, मुझे फाइनाइट उत्तर मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, है ना। साइन 1 / x यानी साइन 1 / 0, साइन 1 / 0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, और साइन का डोमेन क्या होता है, r, यानी मैं उसमें इन्फिनिटी डाल सकता हूँ, है ना। आप ये देखो यहाँ पर x में 0 डालूंगा, 0 लिमिट इंटू साइन 1 / x, साइन 1 / x यहाँ पर अगर मैं डालूंगा x तो साइन इन्फिनिटी होगा, मुझे पता है डोमेन ऑफ साइन इज r माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। तो इसमें जब मैं डालूंगा, इस साइन में मैं कुछ भी डालूंगा, मुझे उत्तर क्या मिलेगा, माइनस 1 / 1 मिलेगा, है ना। देख लीजिए आप बस यहाँ पे x 0 पे भगाइए, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हमें पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन हमें ये पता है माइनस 1 से 1 के बीच में आएगा, और माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ भी आए अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। वापस समझिए, साइन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। तो मैं अगर जैसे यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आप एक्स की लिमिट यहाँ 0 को डाल ही नहीं सकते क्योंकि 1 / 0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी,
साइन इंफिनिटी। देखो साइन का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर, है ना। आर में तो इंफिनिटी भी आता है और उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया कि एक्स की मैं जीरो लिमिट लगाऊंगा। दुनिया में एक्स की कोई भी लिमिट लगाओ, साइन उत्तर क्या देगा, -1 से 1। और -1 से 1 कुछ भी आएगा, अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा, तो जीरो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन कांसेप्ट लिमिट का मॉड वाला सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x, ये क्या होगा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x क्या होगा, ऑप्शन देंगे a1 d-1 c0 या d डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये सवाल मुझे सॉल्व करना है। अब मुझे पता है कि मॉडुलस दो साइन के साथ ओपन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्लस एक्स होगा तो एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 1। माइनस एक्स होगा तो एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, -1। तो 0 पर, है ना। आप खुद ऐसे सोचिए, मॉडुलस ऑफ एक्स दो साइन के साथ ओपन होता है। तो अगर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 के लेफ्ट में अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहूँ तो 0 के लेफ्ट में क्या होगा, 0 के लेफ्ट में ये मॉड किस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, है ना। 0 के लेफ्ट मतलब 0 के लेफ्ट, 0 से बिल्कुल लेफ्ट में कौन होगा, -0.1। तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो -x/x हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x से x कैंसिल हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में क्या आया मेरा आंसर, -1 आ गया। तो -1 आया लेफ्ट में। इसी तरीके से राइट में देखता हूँ, राइट हैंड लिमिट देखता हूँ उसकी, तो राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा मतलब 0 के राइट में। तो 0 से राइट में मॉडुलस ऑफ x किस साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो x अपॉन x हो जाएगा, x अपॉन x क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी, -1, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1। और किसके बात कर रहे हैं हम, 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट की डेफिनेशन ही यही है कि अगर किसी पॉइंट पर हमें लिमिट, फंक्शन की लिमिट का पता करना है कि वो एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमें क्या देखना होगा कि उसके बिल्कुल लेफ्ट में और उसके बिल्कुल राइट में, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर उसके लेफ्ट और राइट में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। और -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बहुत भारी अंतर है ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू टेन टू एक्स माइनस 2x इनटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये हमें पूछा है। और इसके चार ऑप्शंस हैं, a 2 b -2 सी 1/2 या डी -1। ये चार ऑप्शन। तो बेटे कैसा अप्रोच करेंगे, जब भी x 0 पे भाग रहा हो और tan आ रहा हो, tan और sin, तो आप समझ जाना x 0 पे भाग रहा है और tan और sin का रिलेशन आ रहा है, तो हमें वो फार्मूला, वो आइडेंटिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x sin x / x।
तो उसके लिए पहले 1 माइनस कॉस 2x को पकड़ेंगे हम, और हम सबको पता है 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x है ना। कॉस 2x के फॉर्मूले से पता होना चाहिए, कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और यहाँ पे रखा है 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, 2 का स्क्वायर 4, और साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन की पावर ऐसे 4x है ना। तो ये बन जाएगा x इंटू टेन टू एक्स माइनस 2x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन की पावर 4x ऐसा है, है ना। साइन की पावर 4x यानी साइन x साइन x साइन x साइन x, तो इसको नीचे x की पावर 4 लगेगा। तो अगर मैं इसको x की पावर 4 दे दूँ तो यहाँ बैलेंस करने के लिए भी x की पावर 4 लगेगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 1। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1। ठीक है ना, ओके ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। और अब ये चीज़ कैसे दिखेगी, अब ये दिखेगी ऐसे, एक्स ऊपर से कॉमन है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टेन टू एक्स माइनस टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय 4x रेस टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब सॉरी 4 तो है, 4 है, x से x रेस टू 4 कैंसिल हुआ है, नीचे x क्यूब आया है ना। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा बेटे, ध्यान से देखिएगा, अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन टू x माइनस टू टेन एक्स डिवाइड बाय 4x क्यूब, है ना, ऐसा है। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट बता देते हैं। अब देखिए अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, और यहाँ पर आप इसको अलग नहीं कर सकते, अलग लगाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में आने के बाद सिर्फ एक ही तरीका बचता है हमारे पास, एल हॉस्पिटल रूल, जिसको मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त और अच्छे से बताऊंगा, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर और नीचे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। बेटा याद रहे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, याद रहे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अगर मुझे टेन टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव इज 2, ऐसे याद रहे, है ना, इस तरीके से होता है, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो आगे देखिए tan 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर 2x, और 2 tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर x, ऐसा, है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है एल हॉस्पिटल रूल, या इसका और इजी तरीका देखते हैं एक बार, जस्ट वेट। या हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप एक काम और कर सकते हो, वो काम ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन टू x का एक फॉर्मूला होता है 2 टेन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला, है ना, वो अप्लाई करेंगे तो 2 टेन x आ जाएगा माइनस 2 टेन x, माइनस 2 टेन x डिवाइडेड बाय 4 x क्यूब। एल हॉस्पिटल से ये और लंबा हो जाएगा तो हम थोड़ा इसको इस तरीके से एक्सपैंड इस तरीके से करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखने के बाद इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ टू टेन एक्स कॉमन है। तो अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू टेन एक्स को कॉमन निकालूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसा बन डिवाइडेड बाय 4 एक्स क्यूब, है ना, 4 एक्स क्यूब आ जाएगा, मैंने 2 टेन एक्स को ऊपर से कॉमन लिया। अच्छा अब
2 tan x को कॉमन लिया, अच्छा 2/4 हो जाता है 1/2, तो 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 10x है, नीचे x क्यूब है ना, तो x क्यूब को लिख दो x into x square, ताकि ये 10x by x हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना, तो ये 1 बन गया, और अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, 1 minus 10 square x, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय x square into 1 minus 10 square x, ऐसा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब ये देखिए 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ये वापस 1 बन जाएगा क्योंकि x 0 के बाहर है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 बन जाएगा, और अब यहां पे लिमिट लगा दीजिए, यहां x की लिमिट 0 लगाओगे तो 1 माइनस 0 कितना बन जाएगा 1, और बाहर क्या है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा बेटा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन वेल्थ कैसा आया अदिति, 1/2 आना चाहिए, 1/2 आया, समझ में आया, इसको अपन ने कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया है, 2 tan x का फॉर्मूला लगाया, ओके यस, चलिए नेक्स्ट करेंगे, ये करिए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 की पावर x प्लस 3, बताओ कौन सी फॉर्म है, ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है, चेक करिए 1 प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ये, है ना, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में क्या रिजल्ट आता है ये मैंने आपको बताया है, ये मुझे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए ई बी ई स्क्वायर सी ई क्यूब या डी ई रेज टू 4, जल्दी करिए लेस देन 2 मिनट्स,
देखिए इनफाइनाइट पे भाग रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 है ना। और देखो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी मैंने बताया था आपको 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x है ना ऐसा। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी और यहाँ लिखा होगा 1 प्लस 2 अपॉन x, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x अपॉन 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके वो e बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो आपको। तो इसी तरीके से वहाँ लिखा हुआ है 4 अपॉन x, तो अब हमको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा लिमिट, अच्छा ऊपर x प्लस 3 और है यहाँ, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 है ना, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। और अगर x माइनस 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्ती तो किया है, तो 4 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा ना बेटे, बैलेंस करना पड़ेगा। और इंटू में x प्लस 3 और है, इंटू में x प्लस 3 और है, तो बेटा ये एक्सप्रेशन तो बन जाएगा हमारा क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा e है ना। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा देखेगा, e की पावर लिमिट, क्योंकि पावर है ना ये सॉल्व करना है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। बेटा ये स्टेप समझ में आया सबको, ये वाला स्टेप समझ में आया, हेलो हाँ मृणाल, ये e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 इंटू आदित्य आया समझ में, हाँ वेरी गुड। तो अब बेटा अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से अब आगे देखिए e के ऊपर लिमिट है इनफाइनाइट की, ये कौन सी फॉर्म है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है, देखो चेक करो, इनफिनिटी प्लस 3 इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस 1 इनफिनिटी, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म। तो क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को कॉमन, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी यहाँ 4 है, x को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 3 अपॉन x आएगा, डिवाइडेड बाई x को मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस 1 बाई x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट लगा दीजिए आप, तो e की पावर 4 है ना 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो क्या आ गया e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज e की पावर 4, e रेज टू 4 आएगा आंसर बेटे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, e रेज टू 4 समझ में आया, e रेज टू 4 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करिए, इसी पैटर्न का सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर x प्लस 4। चलो करो इसको, मैंने आपको बताया था रैशनल अपॉन रैशनल एक्सप्रेशन और इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है, तो कैसे ना कैसे करके 1 बनाओ यार, और ये 1 कैसे बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर को देखो x प्लस 1, तो x प्लस 6 को भी तोड़ो x प्लस 1 प्लस 5 तब जाके 1 आ जाएगा है ना। चलो आगे करो इसको,
प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये एक्सप्रेशन है, इसका उल्टा टर्म तो यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन फाइव ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो ऐसे एक्स प्लस वन अपॉन फाइव। तो ये चीज है तो आपको फाइव अपॉन एक्स प्लस वन करना पड़ेगा ताकि तो बैलेंस हो गए और इनटू में एक्स प्लस फोर और देना पड़ेगा इनटू में एक्स प्लस फोर। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा क्या ई बन गया। तो अभी ऐसा लिखेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब ई के ऊपर ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। वापस से वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो ई रेज टू फाइव आंसर आ जाएगा आपको, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लेते तो ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स वन प्लस फोर अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस वन वन बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, लिमिट लगा देंगे तो ऊपर वन नीचे भी वन, तो ई की पावर ऑफ फाइव आंसर आ जाएगा। ई रेज टू फाइव आएगा बेटा आंसर, ई रेज टू फाइव आया आंसर, ई रेज टू फाइव। वेरी गुड, आ गया ना अभी पैटर्न समझ में आ ही रहा होगा आपको। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सवाल करने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि सब बच्चों को पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x क्या होता है 1, है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर 0 पे ना भागते हुए ये इनफाइनाइट पे भागे और sin x / x तब मैं पूछूं तो क्या उत्तर होगा बताओ, बताइए उत्तर क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x / x व्हाट इज द आंसर, कम ऑन क्या होगा आदित्य मृणाल श्रेया श्रेया व्हाट इज द आंसर। वन लगता है आपको, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है sin x / x, जीरो को टेंड करता है तो sin x / x वन होता है। जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो क्या आएगा आंसर, देखो कॉन्सेप्ट इंफिनिटी ऊपर डालोगे साइन इंफिनिटी है ना, साइन इंफिनिटी क्या होता है, साइन इंफिनिटी क्या होगा, साइन इंफिनिटी मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन ये पता है कि साइन का जो डोमेन होता है उस डोमेन में उसका आंसर क्या आता है माइनस वन से वन। तो मुझे ये पता है कि इनफाइनाइट को जब साइन टेंड कर रहा होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस वन टू वन आएगा, माइनस वन टू वन मतलब ऊपर वाली चीज जब मैं लिमिट लगाऊंगा ना इनफाइनाइट की तो ऊपर मुझे मिलेगा माइनस वन टू वन और नीचे x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी। अब देखो माइनस वन टू वन कोई भी नंबर होगा, से माइनस वन से वन के बीच में 0.5 आता होगा, माइनस 0.7 आता होगा। अगर उस नंबर को मैं इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रहे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x / x इज जीरो नॉट वन। आया कॉन्सेप्ट पकड़ में, आया समझ में आया कॉन्सेप्ट, हेलो समझ में आया क्या बेटे, आया ना समझ में, आया क्या सुयश तेजस आदिति कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इनफाइनाइट को अगर टेंड कर रहा होगा साइन एक्स बाई एक्स तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, अंडरस्टूड ठीक ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट। बताइए लिमिट, क्वेश्चन करने से पहले ये बताइए लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है? ऑप्शंस ए 0, बी -1, सी 1 या डी डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है स्क्वायर ब्रैकेट। बताओ क्या आएगा, किस किस को याद है कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर? जीरो पे भागेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या देगा आंसर आपको? वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है ना, क्योंकि अगर मैं जीरो के लेफ्ट में बात करूं तो जीरो के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आएगा? जीरो के लेफ्ट में क्या होगा? -0.1, और -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 है ना। और अगर मैं राइट में बात करूं, जीरो के राइट में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 0 है ना। 0.1 देखो, जीरो के लेफ्ट में क्या होगा? -0.1, और -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। इसी तरीके से +0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। लिमिट x टेंड को लेफ्ट हैंड लिमिट में क्लियरली देख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बहुत इजी कांसेप्ट है, बस कांसेप्ट अगर याद रहेगा तो फटाफट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारी, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 की पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 की पावर 45, आंसर क्या आएगा इसका? ए 16, बी 24, सी 32 या डी 8। ये चार ऑप्शन हैं बेटा। कौन सी फॉर्म है ये लिमिट की? एक्स इनफाइनाइट को भाग रहा है, आप इंफिनिटी की लिमिट लगाओगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म जब बनती है तो हमें क्या करना होता है आप सबको पता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो,
एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। बेटा वहां से चलो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, एक्स को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/x, है ना, और दोनों के ऊपर पावर 40 आ जाएगी, है ना। ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेंगे ना बेटा हम, ब्रैकेट के अंदर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1/x, और जब एक्स बाहर चला जाएगा तो पावर लगी हुई है 40, तो दोनों पे लग जाएगी। इसी तरीके से वो सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 50, है ना, और अंदर हो जाएगा 4 - 1/x की पावर 50 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा अभी, नीचे हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 45, है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी, इधर 5 है बेटे, क्वेश्चन में गलती कर दी अपन ने, सॉरी करेक्ट कर लीजिए, 50 नहीं है 5 है, माय बैड। तो बेटा यहाँ से x की पावर 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 है ना, और उधर से x की पावर 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3/x की पावर 45। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 5 है बेटे, है ना। तो अब देखिए कॉमन निकालने के बाद x की पावर 40, x की पावर 5 45 से 45 कट जाएगा, और अब आप लिमिट लगा सकते हैं इन्फिनिटी की, तो 1 upon infinity 0, 1 upon infinity 0, 3 upon infinity 0, तो ऊपर से बचा हमारा 2 की पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 45, ऐसा है ना। तो अब चाहे तो आप 2 की पावर 40 को 2 की पावर 45 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 बचेगा नीचे, है ना। 4 की पावर 5 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 10, है ना, 2 का स्क्वायर, और नीचे है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10 कटेगा तो आएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है बेटे, 32 होता है, 32 इज द आंसर, 32 आएगा आंसर, आया समझ में। हेलो 32 आ जाएगा बेटा, सुन, है ना, 32 आएगा। मैंने गलती से ऊपर यहाँ पे कुछ 50 लिख दिया था, 5 है यहाँ पे, है ना, 32 आ जाएगा, चलिए।